और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ा टॉवल। 3 महीने तक महिला के पेट में ही रहा टॉवल। कुचामन राजकीय अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। जोधपुर एम्स में महिला का उपचार चल रहा है। एम्स में ऑपरेशन के बाद महिला के पेट से टॉवल निकाला गया। इतनी बड़ी लापरवाही, और आए दिन ऐसी ही खबरें सामने आती हैं जब चिकित्सा महकमे की ओर से ऐसी लापरवाहियां देखी जा रही हैं। तो कुचामन राजकीय अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन के वक्त महिला के पेट में ही टॉवल छोड़ दिया गया, ये बड़ी लापरवाही। और फिलहाल जोधपुर एम्स में महिला का उपचार चल रहा है। एम्स में ऑपरेशन के बाद महिला के पेट से ये टॉवल निकाला गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जोधपुर एम्स में महिला का उपचार फिलहाल हो रहा है। अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आई है। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में टॉवल छोड़ दिया गया। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप जोशी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ऐसी भी जानकारी है कि महिला का लंबे समय तक इलाज भी अलग अलग जगहों से करवाया गया, लेकिन अब ये पता चला कि पेट में टॉवल है, फिर ऑपरेशन महिला का हुआ। कितनी बड़ी लापरवाही ये है, और इस पर एक्शन लेने के लिए टीम का गठन हुआ या नहीं? तो जानकारी आपसे साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में टॉवल छोड़ दिया गया। जोधपुर एम्स में फिलहाल महिला का उपचार हुआ, ऑपरेशन हुआ, और महिला के पेट से टॉवल निकाला गया। तो लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था महिला को। अलग अलग जगहों पर इलाज भी महिला का करवाया जा रहा था, लेकिन फिर जोधपुर एम्स में जब इलाज के लिए महिला पहुंची, तब पता लगा कि पहले जो ऑपरेशन महिला का हुआ है, उस ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही बरती गई है, और ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में टॉवल छूट गया। फिर एम्स में महिला का ऑपरेशन हुआ, और उस ऑपरेशन में महिला के पेट से वो टॉवल निकाला गया। हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप जोशी साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी? कमेटी का गठन हुआ या नहीं हुआ, और ये जो लापरवाही, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, उन पर एक्शन लिया गया या नहीं? जी अवश्य, जोधपुर एम्स अस्पताल में एक महिला की उपचार के दौरान जो पेट में कॉटन गॉज का जो टॉवल होता है उसको छोड़ने का जो मामला है, लगभग 3 माह से अधिक समय से महिला काफी पेट दर्द से परेशान थी। उसी परेशानी के चलते जो मकराना और अजमेर को लेकर कई जगहों पर इलाज उनके परिवार द्वारा कराया गया था, कई दवाएं उनके द्वारा दी गई थी, लेकिन आराम नहीं मिलने के बाद में जब जोधपुर एम्स अस्पताल में उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई, और जांच करवाने के बाद में जब ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन के बाद में जो टॉवल निकला उसके बाद में महिला को काफी राहत मिली है। लेकिन जो डॉक्टर अनिल झूडिया सीएमएचओ डीडवाड़ा है, उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया है। जो 3 सदस्यों की जो टीम है, उन टीम के गठन के बाद में अब डीडवाड़ा को रिपोर्ट भेजने की बात की गई है। देखा जाए तो कहीं कहीं डॉक्टर की लापरवाही थी, उसी लापरवाही से जब महिला का ऑपरेशन हुआ था, उसी ऑपरेशन के दौरान पेट के अंदर जो गॉज टॉवल जो होते हैं उनको छोड़ देना एक बड़ी लापरवाही थी, उसी को लेकर टीम गठित की गई है। लेकिन अगर बात करें महिला के उपचार की, महिला के हालात की, जोधपुर के एम्स अस्पताल में उपचार होने के बाद में, ऑपरेशन होने के बाद में महिला को काफी राहत मिली है। जी मनीषा, प्रदीप, प्रदेश भर से कई ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां ऐसी बड़ी लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, और वहां से ऐसे मामले सामने आना विश्वसनीयता को बुरी तरह खराब कर रहे हैं। अवश्य, आम जनजीवन के लिए अगर बात करें तो एक सरल और सहज और सुलभ चिकित्सा की अगर बात की जाए तो सरकारी अस्पताल में ये सुविधा मिलने के चलते ही आमजन सरकारी
अस्पतालों की ओर रुख करते हैं और वहीं अपना इलाज करवाते हैं, सुलभ चिकित्सा मिल सके, सुलभ इलाज मिल सके। इन्हीं के चलते जब वहां पर अगर इस तरह की लापरवाही होती है तो उसी लापरवाही को लेकर उसका खामियाजा मरीज को उठाना पड़ता है, उनके परिजन को उठाना पड़ता है। इस तरह की लापरवाही पूर्व में भी देखी जाए तो कई बार कहीं कैंची छोटे के मामले सामने आए, तो कहीं जो प्लम्बर है वो छोटे के मामले सामने आए, तो इन तरह की लापरवाही अक्सर सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह का जो मामला है, जो टॉवल छोटे का जो मामला आया था, उसी को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं कहीं लापरवाही की जो हदें हैं वो सरकारी अस्पतालों में काफी हद तक मिलने लगी है। और मिलने के साथ ही जो डॉक्टर पर कार्रवाई है वो एक जांच कमेटी गठित करने के बाद में और जांच कमेटी की रिपोर्ट सुनने में तीसरी कर दी जाती है। जी मनीषा, चलिए शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप आपका। तो फिलहाल जोधपुर एम्स में महिला का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद पेट से टॉवल निकाल लिया गया, फिलहाल लगातार इलाज महिला का जारी है।